इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ, जिस तरह से दहली के लोगों ने इस लुटेरे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भगाने का काम करा है, बरेली के लोगों इसकी जमानत कराकर इस लुटेरे के हाथ से भगाने का काम कर दो। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का अगला चरण करीब आ रहा है, वैसे वैसे प्रचार का दौर अलग ही लेवल पर पहुंच रहा है। नेता एक दूसरे पर छींटाकशी, तंज और कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कुछ नेता शब्दों की मर्यादा तक लांग देते हैं, जिनका खामियाजा उन्हें तब होता है जब उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाता है। ऐसा ही तगड़ा एक्शन लिया गया है अखिलेश के नेता पर, जो कि बहेड़ी से सपा विधायक है। समाजवादी पार्टी के विधायक अताउर रहमान पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए लुटेरा शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर एफआईआर वाली कार्रवाई कर दी। अताउर रहमान के खिलाफ ये मुकदमा 153A, 505 और 500 धारा के तहत सदर कोतवाली में दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक 16 अप्रैल को सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन के नामांकन के दौरान सपा ने एक सभा रखी थी। इसी सभा को अताउर रहमान संबोधित कर रहे थे। भाषण देते देते उन्होंने भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार और उनके भतीजे को लुटेरा बता दिया। यहां तक कह डाला कि भाजपा नेताओं की अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, जो लुटेरे को टिकट दिया है। बरेली के लोगों, भोले भाले लोगों, बरेली के ईमानदार लोगों, बरेली के शरीफ लोगों, ये प्रत्याशी लुटेरा है और इसका भतीजा भी लुटेरा है। इसीलिए मुझे वहां की जनता ने, हिंदू मुसलमान सिख भाइयों ने 1.25 लाख वोट देकर मुझे चुनाव जिताया और इनको भगाने का काम करा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। एक ऐसे लुटेरे को बहेड़ी के बरेली लूटने का मौका देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जो बहेड़ी में कोई जमीन नहीं बची जिस पर कब्जा न करा हो। बहरहाल इस बयानबाजी का चुनाव में कितना असर देखने को मिलेगा, वो तो नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल तो अभी चुनाव की बारी है। बरेली लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा, जिसके लिए सभी पार्टियों की तरह पुलिस प्रशासन भी तैयार है।